सत श्री अकाल जी, डीफल चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। पंजाब दे विच सरकार ये कह रही है कि कोरोना वरियर्स का सम्मान किया जाए। सरकार जिहड़ी है वह पैर पिछे खिंच रही है नर्सां दे मसले नूं लैके। नर्सां पिछले लंबे समय तो संघर्ष कर रही ने। असीं पटियाला विच मौजूद हाँ जिथे रजिंदरा हस्पताल विच नर्सां दी जथेबंदी ने सरकार नूं चेतावनी दी है। अज नर्सां दा दिहाड़ा है पर इस दे दौरान सरकार मंगां नहीं मनदी। मंगां कीहड़ियां ने? साडे नाल जथेबंदी दे आगू मौजूद ने। स्वागत है जी तुहाडा डीफाइव ते। थैंक यू जी। की नाम है तुहाडा ते जथेबंदी दे विच किस तरह की कारगुजारी तुहाडी? मैं राजेश कुमार बंसल, मैं नर्सिंग अते एंसिलरी स्टाफ एसोसीएशन दा जनरल सकत्तर हाँ, रजिंदरा हस्पताल पटियाला जी। तो किहड़ियां मंगां ने जिन्हां नूं लैके तुसीं जिहड़ा सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ रहे हो? साडियां सिर्फ दो ही मंगां ने, क्योंकि 2019 दे विच ब्रह्मिंद्रा जी इत्थे आए सी, उन्होंने लिखती रूप दे विच दित्ता सी, प्रेस वाले तुसीं भी मौजूद सी, तो SSP पटियाला ते DC पटियाला भी मौजूद सी। उन्होंने रिटन दे विच दित्ता सी कि तुहाडियां सेवावां 7 मार्च 2019 नूं रेगुलर कर दित्तियां जाणगियां, पर वह अपने लिखती वादे तो बिल्कुल ही मुकर गए। उन्होंने सिर्फ 529 स्टाफ नर्सां नूं रेगुलर किया, जबकि 50 कर्मचारी सिर्फ एंसिलरी ते पैरामेडिकल दे उन्होंने छड्ड दित्ते, ते 121 स्टाफ नर्सां जो कि 2018 बैच भर्ती होईयां सी उन्हां नूं भी दरकिनार कर दित्ता। ते अज तुहाडी जथेबंदी दी कोई मीटिंग हुई है, की कुछ फैसला लिया? अज जो भी साड़ी जथेबंदी की मीटिंग हुई है उस दे विच साड़ियां सिर्फ दो ही मंगा ने, जो ब्रह्मिंद्रा जी ने 2019 दे विच स्टाफ नर्सां नूं रेगुलर किया सी उन्हां दा परकाल समा 2 साल किया सी, जबकि उन्हां नूं पहला ही 15 तों 18 साल लगे नूं हो चुके ने, उन्हां दा परकाल समा क्यों? सब तो पहला तो मैं सरकार यही सवाल करना चाहूँगा, जदों कि असीं 15 तों 18 साल नौकरी कर चुके हैं कि हाले भी साडा परकाल समा किया जाऊगा? साडा वो परकाल समा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अज ही पूरे स्केल पर सानू रेगूलर किया जाना चाहिए है। तो साड़ी दूजी मंग है एंसिलरी स्टाफ से, जो 50 कर्मचारी रेगूलर होने तो रह गए ने, उन्होंने 2009 तो वह लगे हुए ने, उन्होंने बिल्कुल भी रेगूलर नहीं किया गया, जबकि उन्होंने इश्तहार विभाग नोटिफिकेशन स्टाफ नर्सां दे नाल बिल्कुल इक्को ही सीगा, तो उन्होंने छड के सरकार उन्होंने धोखा कर रही है। तो मंत्री अज तो तुम वेख ही रहे हो, तुहाडे सामने ही नोटिफिकेशन होया सी, मंत्री लिखती दे के भी मुकरन लग गए। उस तो पहला जो इन्हां दी सरकार नहीं सी कांग्रेस की, महाराणी परनीत कौर जी साढ़े धरने के बच्चे आके वह भी लिखती दे के गए सी कि साड़ी सरकार आऊगी तो उन्हें पहल के आधार से रेगूलर किया जाऊगा। हुण महामारी जो कि COVID-19 बहुत ही भयानक महामारी सारे संसार ते पई है, सारे भली भात जानते ही ने, असी अगे हो के फ्रंट लाइन ते इस दे नाल लड़ रहे हैं। तो असी आपदियां सरकार की कह रही है कि तुहानू 50 लाख का बीमा दिता जाऊगा। असी सरकार नूं ये कहना चाहुंदे हां कि साडे पहला ही घर एक इहजा पौधा ला दो कि उस ते फुल होण, सानू किसे तों मंगण दी लोड़ ना पवे, सानू 50 लाख दी लोड़ नहीं। जदों असी मर जाएंगे कि सरकार 50 लाख सानू उदों देऊगी? जे सरकार सानू पहला ही रेगूलर कर दिंदी है, सानू 30-35 हज़ार सानू रोटी जोगा कर दिंदी है, सानू 50 लाख दे सन्मान दी लोड़ नहीं, सानू फौजी बैंड दे नाल सन्मान दी लोड़ नहीं। असी सरकार नूं यही चेतावनी देना चाहुंदे हां, जेकर साडियां सेवावां रेगूलर ना कीतियां, जेकर परकाल समा ना घटाया गया, तां कल नूं असी 2 घंटे की रोश रैली करांगे, ये लगातार चलती रहेगी। जेकर सरकार ने फिर भी साडियां मंगां ना मनियां तां इह असी बिल्कुल ही कम बंद करके सिर्फ करोना वार्ड दे विच जो ड्यूटी कर रहा स्टाफ वह करता रहेगा, बाकी असी कम ठप करके बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे जी। इत्थे साडे नाल होर भी जथेबंदी दे जिहड़े मैंबर मौजूद ने उन्हां तों जान लैंदे आ। पिछे सरकार ने जिहड़े मुलाजम जिहड़े तुहाडे नर्सां नूं पक्का कीता सीगा, ते उन्हां दा की कुछ हुण इस वेले की कुछ सामने आ रहा है? तुसीं कहिंदे हो कि उन्हां नूं मतलब कि वो अमली जामा जिहड़ा सरकार ने मंगा कहीआं सीगीआं वो नहीं पैणा हैगा। हाँ जी, जिहड़ियां 2019 दे विच स्टाफ नर्सिज भैणां मेरियां रेगूलर कीतियां गईआं उन्होंने भी मूँह ते एक चपेड़ मारी है सरकार ने, उन्हूं असीं चपेड़ तां कहांगे क्योंकि पहला ही ऑलरेडी वो 2006 तो आ जिहड़ियां पोस्टड सी, ते कुछ जिहड़ियां सीगीआं 2009 तो लैके 2012 दे विच पोस्टड कीतीआं गईआं सी, ते उन्हां दी जिहड़ी रेगूलाइजेशन आ फुल स्केल ते बंदी सी, बट फिर भी सरकार ने उन्हां दे नाल इक भद्दा मजाक कीता, उन्हां दी सैलरी 22,000 तो घटा के उन्हां नूं बेसिक 10,300 ते लिया के एक उन्हां नूं रेगूलाइजेशन दा जिहड़ा नोटिफिकेशन से जारी करता कि 2 साल तुसी अपने प्रवेशन पीरियड ते रहोगे ते उस तो बाद जिहड़ा तुहानूं फुल स्केल दिता जाऊगा। तो इस महामारी दे चलदिआं असी सरकार नूं इह मंग करदे हां कि जिहड़ा साडा इह परखकाल दा समां उहनूं घटा के तुरंत जिहड़ा साडा फुल स्केल आ उह लागू कीता जावे, ते प्लस जिहड़े साडे नाल ही नोटिफिकेशन दे विच आए सी मुलाजम एंसिलरी स्टाफ ते जिहड़ियां होर 121 स्टाफ नर्सिस भैणां 2018 च आईआं उहनां नूं भी तुरंत जिहड़ा ਉਹ
रैगूलर किया जाए क्योंकि मुढ तो ही साढ़े ना संघर्ष के लड़ते रहे हैं तो साड़ी जी मंग शुरू तो ही एक रही है बट फिर भी सरकार ने सरकार इतने ये चाल खेड़ी कि सानू मतलब एक पास स्टाफ नर्स कुछ भैनों रैगूलर करके उन्होंने ना रैगूलर करके इन आपसी जो पाड़ पाने की कोशिश की आ बट इतने मैं दसना जरूरी समझती हाँ कि असी हूँ भी एक प्लेटफार्म के खड़े हाँ असी सरकार दालों भली भांत समझते हैं तो असी कभी भी मतलब आपस के जोड़ा ये फाड़ा वो नहीं आन देवे तो कल भी असी कट्ठे हो के एक प्लेटफार्म के जी रोस रैली आ करा जिंद सिर्फ दो ही मंगा कि साढ़े इंसिलरी स्टाफ न बिना शर्त तो कोई प्रवेशन पीरियड ना रखा जाए तो फुल स्केल से जोड़ा उन्होंने रैगूलर किया जाए तो जिन्हों का प्रवेशनल पीरियड लागू किया उन्होंने तुरंत बंद करके तो उन्होंने जोड़ा फुल स्केल आगू किया जाए। ये पंजाब होर भी जथेबंदियों सहयोग मिल रहा है थावान से पूरे पंजाब नर्सा हाँ जी जो भी असी मतलब कि जिनी बार भी संघर्ष किया साडा जिहड़ा 2010 तो पहला भी जिहड़े साडे मुलाजम से संघर्ष करते आए तो उस तो बाद जिहड़ा सब तो वड्डा संघर्ष पहला असी 2011 तो शुरू किया लगातार संघर्ष के पिड़ में चलद दौरान सानू मतलब कि बहुत सारिया पंजाब दी जिहड़ियां जथेबंदियां टाइम टू टाइम सानू जिहड़ा आके समर्थन करते रहे हैं तो असी उन्हां दा बहुत धन्यवाद करते हैं तो अगों भी असी ये उम्मीद करते हैं कि जिहड़े साडे भैण भाई क्योंकि देखो असी इस पंजाब दे विच उन्हां दीआं ही धीआं उन्हां दीआं ही मतलब बेटियां तो असी मतलब कि उन्होंने घर ही उठ के इतों तक पहुँचे हैं तो असी उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के जिते भी साडा संघर्ष होगा उत्थे सानू जिहड़ियां सारिया जथेबंदियां वह आके समर्थन देणगियां। साढ़े नाल एक होर नर्स मौजूद ने उन्हां तो जान लेने तो सब तो पहले दसो कि तुहाडी भर्ती कदों होई सी। साड़ी भर्ती जी है 2009 दे विच होई है वो प्रोपर चैनल हुई सी जबकि सानू पंजाब सरकार ने यह कहा गया कि जो थोड़े 3 साल खत्म हो जाएंगे तो 3 साल बाद ऑटोमैटिकली रैगूलर कर दिता जाऊगा तो बहुत बारी उन्होंने साढ़े जोड़े आ डाकूमेंट से मंगी गए फिर असी धरने शुरू किए प्रदर्शन शुरू करते कभी असी नहर से छाल मारी कभी असी ममटी से करके तो साढ़े जोड़े साबका मंत्री से मुख्यमंत्री से उन्होंने सानू 33% दिन 3 किश्तां देने तो बाद कि रेगुलर कर दिता जाऊगा। इन्होंने बहुत ही जड़ा छात्र दिमाग चले इन्होंने पहली किश्त देती तो तीजी किश्त देती जी दूजी किश्त वो नहीं लागू की दूजी किश्त लागू करवाने सानू फिर ममटी से बैठना पाया वो ममटी से असी 27 घंटे बैठे रहे 27 घंटे बैठने तो बाद फिर सानू वो जी तीजी किश्त लागू की तो वे फिर लिखा गया कि यह किश्त जी यह लास्ट किश्त आ पर उच्च रेगुलर का कुछ भी नहीं सी लिखा सी फिर असी दुबार तो ममटी से चढ़े 6वीं मंजिल से बैठे 6वीं मंजिल से बैठ के मेरिया 2 भैं करमजीत कौर खालसा ते करमजीत कौर औलख ते बलजीत कौर खालसा उन्होंने उपरों छाला मारिया छाला मार के अपनी जान की बाजी ला के जिहड़ा ये अपनिया भैणों हक दवाया असी बहुत बहुत धन्यवादी अपनिया दोनों भैणों के तो असी पंजाब सरकार अगे बहुत बेनतियां कर लिया कि सानू जिहड़ा ये उन्होंने उस तो पहला ही साढ़े DRME सर आए सी उन्होंने कहा कि जिनी तुसी तनखा लैंदे हो मौजूदा तनखा ते तुहानू रैगूलर कर दिता जाऊगा पर सरकार की चाल सानू उदों पता लगी जदों सानू नोटिफिकेशन आया जिहदे ते लिखिया सी तुहानू बेसिक दिती जाऊगी 3 बार असी छाला मार के सब कुछ लैके 21,000 तक पहुँचे सी ते साडी बेसिक किन्नी दिती 10,300 मतलब एक साढ़े नाल मजाक किया गया हुण पंजाब सरकार कहिंदी तुहाडा 50 लाख का बीमा होगा 50 लाख का बीमा जो सानू जींदियां नू कुछ नहीं दिंदा सानू मरियां नू कौन दिंदा साडा फैमिली मतलब आपदी बच्ची दी जिंदगी दा भीख थोड़ी ना सरकारां तो मंगूगी असी नहीं चाहते कि साडा परिवार करे इदा जे पंजाब सरकार सानू वधिया सेहत सानू पैसे दऊगी साडी बनदा हक दऊगी तो साडी सेहत चंगी होगी तो सानू करोना होगा ही नहीं तो असी मरांगे नहीं तो जे वह 50 लाख लैना तो सानू मरना पऊगा इदा तो पंजाब सरकार ते अज तक हुण तक पंजाब सरकार दे विच ना तो मुख्यमंत्री ना साडे मंत्री साहब OP सोनी उन्होंने एक बार भी साडा हाल तक नहीं पुछा कोविड इन्ना ज़्यादा है महामारी चल रही है जबकि हर मीडिया वाला पुलिस वाले कि हर प्रशासन आ के सानू पुछ रहा साडे मंत्री OP सोनी का एक सिंगल बयान नहीं आया कि जिहड़ियां पंजाब दियां मेरे ही डिपार्टमेंट दियां लड़कियां आ वो कम कर रही उन्होंने कोई तकलीफ तो नहीं है उन्होंने किसी तरह की कोई लोड़ तो नहीं है एक सिंगल बयान भी नहीं आया उन्होंने तुहाडी ड्यूटी इत्थे जाना चाहां करोना वार्ड दे विच लगी है पटियाले सर मेरी करोना वार्ड दे विच नहीं है मैं गायनी दे विच पोस्टेड आ एट प्रेजेंटली बट साडे अगले महीने तो आइसोलेशन दे विच ही जानी है क्योंकि रोटेशन चलती है हर बंदा उत्थे जाऊगा सर साडे विचों कुछ एक बच्चे इहो जिहे जिन्हां दे बच्चियां बहुत छोटियां छोटियां ने हुणे हुणे न्यूली मैरिड ने पर असी ड्यूटी नूं डिनाई नहीं करदे असी ड्यूटी नूं डिनाई ना करदे होए भी असी पंजाब सरकार तो डिमांड करदे आ कि जे असी डिनाई नहीं करदे तो साडे जिहड़ी कहिंदे कि पसीना सुकण तो पहलां मेहनताना मिलना चाहीदा सानू मिल नहीं रहा जी बिल्कुल
नर्सां दीआं दिक्कतां बहुत ने, मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते ने, इन्हां तों वी जान लैंदे आ, अखीर च की कहना चाहोगे? हाँ जी, असीं अखीर दे विच इही कहना चाहुंदे आ कि जिहड़ियां वी मेरियां स्टाफ नर्सिज़ भैणां कोई बरनाले तों बिलोंग करदी आ, ईवन कि इत्थों तक कि मोगे तों वी, मतलब कुछ भैणां हैगियां जिन्हां दे घर बार पिछे कोई भी देखण वाला नहीं हैगा, तो उन्हां नूं अपनी ड्यूटी देण तों बाद घरां नूं वापस जाणा पैंदा। तां जिवें कोई भी अपनी बाय कार, जिद्दां बसिज़ वगैरह नहीं चल रहियां ते बाय कार सारा कुछ अपना खर्चा करके जाते हैं, तो उन्हां तों मतलब टोल टैक्स आ जिहड़ा, वह भी डेली बेसिस से वसूल किया जा रहा, जो कि बहुत ही मतलब एक भद्दा मजाक मंद भागी आप कह सकते सरकार दियां जिहड़ियां नीतियां ने, ये गलत ने। देखो मैं इत्थे ये कहना चाहुंदी हाँ कि जिद्दां साडे आर्मी ते पुलिस मुलाजमान नूं टोल टैक्स फ्री हुंदा क्योंकि किते वी ड्यूटी कर सकदे ने, उस इस टाइम ते जिहड़ा सेहत महकमा वी फ्रंट लाइन ते आके कोविड-19 दे विच लड़ रिहा, ते उहनां नूं वी मतलब कि अपना जिहड़ा साडे आई कार्ड बने होए आ उह वी जिहड़ा टोल टैक्स उह माफ़ होना चाहीदा, क्योंकि बसां तां चल नहीं रहियां ते अपने व्हीकल ते डेली आउणा जाणा, गड्डी दा पेट्रोल ते 7000 दे विच देखो किद्दां बंदा पेट्रोल दा खर्चा झल्लूगा कि टोल टैक्स ही बहुत ज़्यादा पै जांदा, मोगे तक तां 2 टोल प्लाजा पेंदे आ रस्ते च, तां आउण जाण दे 375 रुपए आ, तां असीं सरकार नूं बेनती करदे हां कि थोड़ा जिहा तरस करे सेहत कामियां ते, क्योंकि इन्ना जिहड़ा उहनां दा वर्ताओ आ साडे नाल जिहड़ा बिहेव आ उह सरकार इदां ना करे, क्योंकि असीं मतलब कि सरकारां देखो साडे तों ही बनदियां, असीं सरकारां नूं बनाउण वाले हां, ते जेकर फिर सरकार इदां दीआं रणनीतियां करेगी तां जे असीं सरकार बनाउण जाणदे आ तां फिर असीं सरकार नूं हटाउण वी जाणदे आ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्नवाद। सो नर्सां दे नाल गलबात करदे आ, इक वड्डी गल निकल के सामने आई है कि टोल टैक्स दे उत्ते इहनां नूं कोई छोट नहीं दित्ती जा रही है, इक तां अपना समां कई महीनियां तों जिहड़ा जद दा करोना सारे है ये उस जंग दे विच शामिल ने, सरकार करोना योधे कहती है, मरणोपरंत सन्मान दी गल्लां करती है, 50-50 लाख देण दी गल्लां करती है, तुसीं देख रहे हो इन्हां दा हाल की है। सो उम्मीद है कि सरकार तक इन्हां दी आवाज़ जिहड़ी पहुँचेगी ते सरकार इन्हां दे हक्कां दा जिहड़ा इन्हां नूं जिहड़ा हक वह जरूर देवेगी। असीं उम्मीद करते हैं कि इन्हां नूं इन्हां दे हक दिवाउण दे लई बाकी जथेबंदियां जिहड़ियां जिवें कह रहे हैं कि इन्हां नूं सहयोग दे रहे हैं, इस तरह सहयोग देंदियां रहणगियां। कैमरामैन गुरप्रीत सिंह दे नाल पटियाला तों सुखविंदर सिंह, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी, हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।